नमस्ते, गुड इवनिंग, खुश आमदीद दर्शकों, हम आपका स्वागत करते हैं जयपुर दूरदर्शन के एक खास कार्यक्रम खुला आकाश में। ऐ मंजिलो करो मेरा इंतज़ार कि उड़ने को दिल है बेकरार। ये हौसले रह रह के कहते हैं, ये हौसले रह रह के कहते हैं कि छूना है आसमां मुझे एक बार। और दोस्तों, ये मेरे ही नहीं, हम सबके हौसले कहते हैं कि हम ऊंचाइयों को छू लें, कामयाबी हमारे कदम चूमे। पर कहीं दिल के किसी कोने में एक डर, आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी जो हमारे इरादों को कमज़ोर बनाती है। और इसका कारण यह है कि हम ये समझते हैं कि हम अपनी कैपेसिटीज़, अपनी क्षमताओं को बढ़ा नहीं सकते। पर यकीन मानिए दोस्तों, हम और आप उन लोगों जैसे ही हैं जो बहुत कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं। तो दोस्तों, आइए मजबूत इरादों के साथ अपनी कैपेसिटीज़, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी याददाश्त को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और हम आपको बताएंगे मेमोरी इन्हेंसमेंट के कई तरीके अपने कार्यक्रम खुला आकाश में। पुनीत, अक्सर ही देखा गया है कि आम जिंदगी में हम इंटरपर्सनल रिलेशंस के प्रति इतने संवेदनशील नहीं होते, हम में इनिशिएटिव की कमी होती है। और ख़ास तौर से बात करें कि हमारा थॉट प्रोसेस कहीं वीक होता है जो हमें सक्सेसफुल होने में, सफल होने में रोकता है। बिल्कुल ठीक कहा अनुपमा आपने। जीवन में सफल होने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी बात आती है आपका अपना एक थॉट प्रोसेस हो। यदि आपका अपना नहीं है लेकिन दूसरे किसी सफल व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के विचारों पर आपको यकीन है तो आप उन्हें ठीक से आत्मसात करें, उन पर यकीन करें और फिर उस पर निश्चय के साथ आगे बढ़ें। जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक थॉट प्रोसेस को जन्म दिया और उस पर अमल किया, और ऐसे ही एक सफल व्यक्ति हैं डॉक्टर कमलेश चंद्रा। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर कमलेश चंद्रा मौजूद हैं और साथ में हैं सीमा जोशी जी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनुपमा, थैंक यू पुनीत। दोस्तों, खुला आकाश में मैं सीमा जोशी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर श्री कमलेश चंद्रा जी। नमस्कार कमलेश चंद्रा जी। नमस्कार सीमा जी, हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये सीखा था कि सफलता हमारे अपने हाथ में है। तो सर, पिछले एपिसोड में जो आपने हमें आत्म सुझाव की टेक्निक बताई थी, हम चाहते हैं कि संक्षिप्त में एक बार फिर से आप दर्शकों को थोड़ा बताएं। हाँ बिल्कुल, पिछली बार हमने बात की थी कि मस्तिष्क में कितनी अपार क्षमताएँ छुपी हुई हैं, और एक बार अगर हम इन क्षमताओं को काम में लेना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता होती है हमारे दिमाग को बार बार इस चीज़ का भरोसा दिलाने की कि हमें क्या चाहिए। जितनी बार हम अपने आप को बताते हैं ये वो लक्ष्य है, ये वो चीज़ है जो मुझे हासिल करनी है, प्राप्त करनी है, और अपनी खूबियों को लेकर के हम जितना अपने आप को बार बार कहते रहते हैं हाँ ये मेरी क्वालिटी है और इससे मैं और अच्छा कर सकता हूँ और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, जितना इस बात का बार बार एहसास होता रहे क्षमताएँ निखरती रहती हैं और हम जीवन में आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। आत्म सुझाव की जो तकनीक है ये तो बहुत प्रभावशाली है, इस तकनीक का हमारे जीवन पर कितना गहरा और कैसा प्रभाव होता है इस बारे में थोड़ा हमें स्पष्ट कीजिए। ये बहुत अच्छी बात सीमा जी आपने पूछी। पहले विज्ञान ये सोचता था कि जो आदमी जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे शोध हो रही है हमें समझ में आ रहा है कि हम अपने विचारों को बदल कर हमारी दुनिया, हमारा जीवन बदल सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ और बहुत ही प्रेरणादायक ये कहानी है। एक बच्ची, जब वो जन्म उसका हुआ 1940 में, वो उसका वजन बहुत कम था और डॉक्टर्स को उसकी लाइफ लग रहा था कि खतरे में है। वो जब 4 साल की हुई कैसे जैसे तो उसको स्कारलेट फीवर हो गया और उसे पोलियो भी हो गया, तो उसका पांव बुरी तरह से ख़राब हो गए थे और डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्ची अपने जीवन में कभी भी अपने पाँव पर चल नहीं सकती। लेकिन उसकी माँ ने हमेशा जो एक चीज़ सीखी थी कि अगर हम सही सकारात्मक विचारों को बच्चे में डाल दें तो वो आगे चल के वो विचार बच्चे की ताकत बन जाते हैं। उन्होंने अपनी बच्ची को बार बार यही समझाया कि बेटा तुम बिल्कुल चल सकती हो, बिल्कुल चल सकती हो, और तुम्हें यही पक्का ख्वाब अपने अंदर रखना है कि तुम एकदम बिल्कुल ठीक चलोगी। उस बच्ची ने जगह जगह हॉस्पिटल्स में सब जगह चेकअप कराया पर कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन उसके मन में था कि हाँ मैं चलूँगी। और अंततः डॉक्टर्स ने जो लोहे की रॉड लगा करके और एक बार उसे खड़े रहने के लायक बना दिया और वो लोहे की रॉड पे और उसके ऊपर चलने लगी। और एक दिन जब वो 9 साल की थी, उसने मतलब उसको ये तमन्ना थी कि मैं बस चलूँ, सिर्फ 2 कदम चलूँ लेकिन मैं अपने पाँव पे चलूँ।
उसने वो लोहे की रोड खोल डाली और खुद जो है अपने घर के आंगन में दो कदम चलने की उसने कोशिश की। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाते ही वो गिर गई, खून और लहूलुहान हो गई। लेकिन वो बहुत प्रसन्न थी, बहुत प्रसन्न थी। जब माँ उसके पास आई तो उसने कहा, बेटा तूने ये क्या किया? उसने कहा, माँ डॉक्टर्स ने कहा था मैं दो कदम भी नहीं चल सकती, देखो मैं दो कदम चली। तो उसका मतलब वो झूठ बोल रहे, मैं चल सकती हूँ। और इस बात से इतना उसको आत्मविश्वास आया, 13 साल की उम्र तक वो बिना बैसाखियों के और आयरन रोड्स के चलने लगी। उसके बाद उस बच्ची ने सोचा कि जब मैं चल सकती हूँ तो मैं भाग भी सकती हूँ। उसने अपनी आत्मशक्ति को और जगाना शुरू किया, बार बार और सकारात्मक सुझाव अपने आप को दिए। उसने फैसला किया कि मैं दौड़ में जीत के दिखाऊंगी। उसने दौड़ना शुरू किया और अक्सर जब उसके सारे दोस्त जो भी दौड़ते थे स्कूल में, जब आधा आधा घंटा 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 तब जाके वो पहुंचती थी, लेकिन लगातार उसने उस जिद को छोड़ा नहीं। और आप देखिए कि हमारे मन और हमारे मस्तिष्क की शक्ति, कि अंततः उस बच्ची ने 1956 में ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता और 1960 में उसने 3 बार स्वर्ण पदक जीता। वो विश्व की सबसे बड़ी धावक बनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, एक मिसाल है कि अगर हम अपने आप को सकारात्मक विचार देते चले जाएं तो हम किस लेवल तक ऊपर उठ सकते हैं और अपनी शक्तियों को कितना बढ़ा सकते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात से तो हमें यही लग रहा है कि अगर सिर्फ विचार के दम पर ऐसा कुछ हो सकता है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। बहुत बढ़िया जिज्ञासा आपने रखी सीमा जी, ये सच है और आज विज्ञान ने इस पर बहुत गहरा शोध किया है। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों पे जो शोध हुए हैं वो ये बताते हैं कि हमारे जो विचार हैं, अगर लगातार लगातार वो एक ही तरह का सकारात्मक विचार मस्तिष्क में चलता जाए तो हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वो खास तरह के पैटर्न्स बनाते हैं और ये पैटर्न्स हमारे शरीर पर प्रभाव डालना शुरू करते हैं। और आप देखिएगा कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में एक प्रयोग हुआ, उस पर 40 लोगों के एक समूह को बार बार एक विचार को रिपीट करने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि आप कहिए कि मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द है। 72 घंटे तक उन्होंने लगातार उस विचार को अपने दिमाग में घुमाते चले गए और 72 घंटे बाद जो उनके पेट में दर्द शुरू हुआ, 3 महीने तक हर तरह की दवाई देने के बाद भी उसे ठीक ना किया जा सका। ये प्रयोग कहीं पर भी दोहराया जा सकता है। तो ये हमें क्या बताता है कि हमारे जो विचार हैं अंततः वो शरीर पे प्रभाव डालते हैं, मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं और हमारी पूरी शरीर के जो हार्मोनल्स होते हैं, जो रसायन पूरे शरीर को चलाते हैं, उस पूरी रासायनिक संरचना में वो बदलाव ला सकते हैं। वो शरीर की मांसपेशियों को ताकतवर बना सकते हैं और कमजोर भी बना सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हम यहाँ जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, टीवी है, मोबाइल है, फैन है, कैमरा है, ये सब कुछ पहले विचार थे और बाद में अपने भौतिक रूप में आ गए। तो जब सकारात्मक विचार से सकारात्मक आविष्कार हो सकता है तो फिर तो नकारात्मक विचार भी नकारात्मक प्रभाव डालते होंगे। आजकल बहुत बच्चे हमारे से कहते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, या इतना कैसे याद करें, इतना सिलेबस है, मेरे मस्तिष्क में तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतना पढ़ सकूं। जहाँ तक आपने कहा कि बच्चों को लगता है कि हम इससे ज़्यादा याद नहीं कर सकते, हमारी इतनी सी लिमिट है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि अभी विज्ञान इस विषय पर क्या कहता है। वो कहते हैं कि इंसान के दिमाग में ये जो छोटी कोशिकाएं हैं जहां सूचनाएं जाके संग्रहित होती हैं, जिनको न्यूरॉन्स या तंत्रिकाएं कहते हैं, एक तंत्रिका में जितनी सूचनाएं संग्रहित हो सकती हैं वो है, एक के आगे 28 जीरो लगा दें तो इतने नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक के आगे 28 जीरो, इतनी सूचनाएँ एक कोशिका में संग्रहित हो जाती हैं। और अगर मैं साधारण भाषा में आपसे कहूँ तो 10 नई चीज़ें अगर हम याद करते चले जाएँ हर सेकेंड और 100 सालों तक इस प्रक्रिया को चलने दें तो 100 साल में हमारी जो मेमोरी है वो आधी से कम भरेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की अनंत क्षमताएं मानव मस्तिष्क में प्रकृति ने डाली। लेकिन एक प्रश्न दिमाग में आता है, अगर हम सब में इतनी क्षमताएं हैं तो हम उन क्षमताओं का उपयोग क्यों नहीं कर पाते? जब हमारे मस्तिष्क को ये पता नहीं होता कि क्या करना है और क्यों करना है, ये जो जीवन मिला है इसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, मुझे क्या करना है। जब एक बच्चा ये तय करता है कि मुझे बस एक लेक्चरर बनना है या मुझे बस इतना सा करना है, तो वो लेक्चरर बनने के लिए जितनी उसकी क्षमताएं हैं वो जागृत हो जाती हैं। अगर उसका लेक्चर बनने का या जो भी कुछ बनना चाहता है, अगर वो भी उसने तय नहीं किया तो वो शक्तियां सोती रहती। जो एक वो लक्ष्य लेता है कि हाँ ये मुझे करना, जैसे अभी मैं एक कॉलेज में था और मैंने वहाँ बच्चों से पूछा कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हम तो टीचर बनना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया,
आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना खुद का कॉलेज खोलना चाहते हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं, जहाँ ना केवल वो खुद बल्कि हज़ारों दूसरे लोग भी आकर के सीखें। उनका सर ऐसे तो हम सोचते ही नहीं। तो अगर आप ऐसे नहीं सोचते तो जो अनंत क्षमताएं प्रकृति ने दी हैं वो तब तक जागृत भी नहीं होंगी। उसको जागृत होने का कोई कारण चाहिए। वो क्यों आप में जागृत हो, आपके पास ऐसा क्या बड़ा लक्ष्य है? जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, अभिभावकगण, बच्चे, विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं, उनको आज से ये सोचना ही चाहिए कि मुझे जीवन में क्या बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए, और खुल के इसके बारे में सोचें। उसके बारे में जहाँ भी एक लेश मात्र भी संशय मन में नहीं होना चाहिए कि ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहले तय करें कि मुझे ये करना है। एक दिन को एक जन्म के जैसे जियो। सुबह हम शुरू किया, जब आँख खुली तो माना कि हमारा जन्म शुरू हो रहा है, और जब रात को हम सोएंगे तो ये जीवन, आज का जन्म, ये समाप्त। और पूरे दिन भर को आज मुझे खेलना है, आज मुझे ध्यान करना है, आज मुझे मैक्सिमम पढ़ना है, आज मुझे मैक्सिमम दूसरों की मदद करनी है, मैक्सिमम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। आज का दिन है सो है। और जब हम इस फीलिंग के साथ काम करते हैं तो हमारी मानसिक क्षमताएं जो हैं वो बढ़ चढ़ करके और हमारा सहयोग करने लगे। ये भावना हमारे अंदर बैठनी चाहिए। भाई, कमलेश जी की बात सुनकर मेरे अंदर तो एक विश्वास जागा है, और मैं तैयार हूँ अपनी सभी कमजोरियों को दूर करके आगे बढ़ने के लिए। और मुझे यकीन है हमारे दर्शक भी तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा अनुपमा आपने। कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। जब तक हम खुद अपनी आँखों से सफल व्यक्तियों को, उनकी संरचनाओं को नहीं देखते हैं, यकीन नहीं करते हैं। ऐसे ही सफल व्यक्तियों से आज हम फिर रूबरू हो रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज शर्मा जी और नीरज गर्ग। मनोज जी, आप एक फैशन डिज़ाइनर रहे हैं और अब एजुकेशन बिजनेस में। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज जी, आप अपने बारे में बताएं, दर्शकों को बताएं, कैसे आपने इन टेक्निक्स को यूज़ करके अपने जीवन में सफलताएं हासिल की। दोस्तों, जैसा कि अभी कमलेश चंद्रा जी ने बताया, मेरे 4-5 साल पहले मेरी लाइफ बड़ी स्ट्रगल में थी और मैं बहुत परेशान रहता था कि किस तरह से मैं अपने आप को कंसंट्रेट करके डे टाइट कंपार्टमेंट में ला के किस तरह से मैं अपने आप को शेड्यूल्ड बनाऊँ, एक अच्छा सा मुकाम हासिल करूँ। तो मैंने कमलेश जी से जब मिला और कमलेश जी ने मुझे ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग के बाद मेरे को पता पड़ा कि लर्निंग और लाइफ स्किल्स वाकई में क्या होता है और किस तरह से हमें टारगेट्स बना के डे टाइट कंपार्टमेंट में काम करना चाहिए और पूरा दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए। और शेड्यूल बनाने के बाद जैसे जैसे मैंने इनको फॉलो किया, मेरे को वाकई में रिजल्ट्स मिलने लगे और मेरे बिजनेस में ज़बरदस्त रिवोल्यूशन आया और जितने भी टारगेट्स मैंने बचाए वो सारे हासिल किए। नीरज जी मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। नीरज जी, मार्केटिंग फील्ड में भी क्या ये टेक्निक्स उतनी ही इफेक्टिव हैं या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए अच्छी होती हैं, आप बताएं इस बारे में। बिल्कुल, मैं जब 1 साल का था तब मेरे पैर में पोलियो हुआ और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं अपने दोनों हाथ ज़मीनों पर रख के चला करता था और इस वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना आ गई। मेरे यार दोस्त, घर वाले सभी मेरे को एक दया की दृष्टि से देखते थे और मेरे को भीतर ही भीतर बहुत डर लगता था, क्या मैं अपने जीवन में वाकई तरक्की कर पाऊँगा, सफल हो पाऊँगा, बहुत डर लगता था। इसी कारण से मैं अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाया। मैंने BA 3rd Division से पास किया, कंपटीशन खूब सारे दिए, सफलता कहीं नहीं मिली और मेरे अंदर एक ये डर बैठ गया था, क्या मैं अपने जीवन में क्या 5,000 रुपये भी की नौकरी पा पाऊँगा। इसी दौरान मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया 28 फरवरी 2007, जिस दिन मैं कमलेश सर से मिला और इनसे जब मैंने ट्रेनिंग ली तो मुझे पता चला कि वाकई इंसान के अंदर इतनी क्षमता है कि अगर वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करे सकारात्मक सोच के साथ तो वो अपने जीवन में कुछ भी मंजिल पा सकता है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे सर मुझे बताते गए कि अपने अंदर ऑटो सजेशन बार बार देते रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, और इसका जब मुझे थोड़ा धीरे धीरे रिजल्ट्स मिला तो ये विश्वास मेरे अंदर पक्का बैठ गया कि अगर इन चीज़ों को अगर अप्लाई करें जीवन में तो हम कुछ भी पा सकते हैं। और इसका नतीजा आज ये मेरे सामने है कि जहाँ मेरे अंदर एक डर था कि मैं 5,000 रुपये की नौकरी भी नहीं पा पाऊँगा, क्या कमा पाऊँगा जीवन में, आज इसी काम से मैं करीब 50,000-60,000 महीना कमाने लगा। और अब मेरे को ये लगता है कि वाकई इन चीज़ों का हर इंसान को अगर पता चल जाए तो वो अपने जीवन में अनबिलीवेबल तरक्की कर सकते हैं, जो वो सोच भी नहीं सकते। बस ज़रूरत है कि हमें खुद को पता हो कि हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं। अब मेरा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें और मैं उनके जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकूं, ये मेरा प्रयास है। क्योंकि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता और आज
पहले मैं लोगों के ऊपर डिपेंड था, लोग मेरे को सहयोग करते थे, आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ। हमारे दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये मेमोरी एनहांसमेंट टेक्निक्स या जो शुरुआती एपिसोड्स में हम बेसिक फाउंडेशन की जब बातें कर रहे हैं डायरेक्ट याददाश्त बढ़ाने से पहले की, वो बातें सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए उपयोगी हैं, बल्कि हर वो व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है, मन बंधनों से जकड़ा हुआ है, हर सब के लिए आप सब कुछ चाह सकते हैं, बंधनों को तोड़ दें और आगे बढ़ लें। बिल्कुल पुनीत, इनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि राहें मुश्किल हैं पर उतनी भी नहीं जितनी लगती हैं, या यूँ कहिए कि जैसे जैसे हम अपनी कोशिशों से अपनी कैपेसिटीज़, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाते हैं, मंजिल के, कामयाबी के उतने ही करीब आते जाते हैं। कमलेश जी की बताई हुई बातें, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज अपनी आँखों से हम देख चुके हैं, ये देखने के बाद में हमारे दर्शकों के जहन में भी निश्चय ही कुछ न कुछ बात पैदा हो रही होगी, कुछ सवाल होंगे जो डायरेक्ट पूछना चाहेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है, आप अपने सवाल कमलेश जी से पूछ सकते हैं। नमस्कार कमलेश जी, मेरे 6 वर्ष की बेटी है, मुझे लगता है वो बहुत जिद करती है और इसीलिए सब चीज़ें ठीक से सीख नहीं पाती, आपके पास कोई इसका हल है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। अक्सर माता पिताओं को ये रहता है कि बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, आखिर वो क्यों होता है उसको थोड़ा सा हम समझें। बच्चे अक्सर माता पिता से कहते हैं पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, और उस समय पापा या मम्मी अपने किसी काम में व्यस्त होते हैं तो वो बच्चे की बात को सुन नहीं पाते। बच्चा एक बार कहता है, दो बार कहता है, तीन बार कहता है, लेकिन जब वो बार बार कहता है तो वो ध्यान आकर्षित कर पाता है मम्मी पापा का कि हाँ ये इस तरह की कोई चीज़ चाहता है। तो शुरुआत से ही हमें बच्चे का ध्यान रखना चाहिए कि वो जब कुछ बोल रहा है तो हम उसकी पहली बात को ही सुन लें। अगर तो हमें कुछ उसे चीज़ देनी है तो हम उसे पहली बार मांगते ही दे दें, और हमें लगता है कि वो चीज़ उसे नहीं देनी है तो उसके चाहे वो 20 बार आग्रह करे या नहीं करे, उसके बाद हमें नहीं देनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है माता पिता बच्चा 20 बार बोलेगा, रोने लग जाएगा तो वो दे देंगे। तो आपने उस बच्चे को जाने अनजाने में ये सिखा दिया कि 20 बार कहने से और रोने से ये चीज़ मिलेगी, पहले तो पापा मना करने वाले हैं या मम्मी मना करने वाले हैं। तो बच्चे को अगर इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लें, पहली बार जवाब देते ही जो है, पहली बार मांगते ही उसे दे दें, और नहीं तो बाद में उसको समझाएं यही कि बेटा ये आपके लिए नहीं है। 90 चीज़ें अगर बच्चा 100 चीज़ें मांगता है उसमें से 90 चीज़ें आप उसको आसानी से सुलभ करा सकते हैं, और जो 10 चीज़ें आप उसको नहीं देना चाहते उनके लिए पहले से ही मना करें तो वो समझ जाए। नमस्कार सर, मैं रितु शर्मा, मेरा 7 वर्ष का बेटा है सर, लेकिन वो किसी नए लोगों से मिलता है तो हेजिटेट करता है कि उसको कहना पड़ता है कि बेटा इनको विश करो, नए लोगों से घुल मिल नहीं पाता है, तो सर इसके लिए कोई उपाय है आपके पास? अक्सर माता पिता जब ये चाहते हैं कि हमारा बेटा बहुत बढ़िया करे तो वो क्या करते हैं, हर छोटी मोटी बात में बच्चे को टोकते हैं, ये बेटा ऐसे करिए, बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे करिए, ये ऐसे करिए, बार 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 हर चीज़ के लिए जब बच्चे को निर्देश दिए जाते हैं तो उसके मन में एक भाव बैठ जाता है कि जो मैं अगली चीज़ करने वाला हूँ वो सही है या गलत है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा हर चीज़ से झिझकने लगता है। तो कई बार बच्चा जो भी कुछ कर रहा है अगर हम उसके थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दें, थोड़ी सी ज़्यादा स्वतंत्र, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता भी घातक हो जाती है कई बार, थोड़ी सी स्वतंत्रता और थोड़ी सी निगाह वो अगर हम उस पर रखें तो आप देखेंगे कि बच्चे में एक आत्मविश्वास, खुद करके, खुद गलतियां करके उसको सीखने का थोड़ा मौका अगर हम दें तो एक आत्मविश्वास उसमें जागृत होने लगता है, और ऐसी परिस्थिति में वो खुल के लोगों का सामना कर सकता है। आगे से आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ी उसे ज़्यादा आज़ादी दीजिए, थोड़े प्रयोग करने दीजिए जीवन के साथ और वो आगे बढ़ने लगे। मैं बनवारी लाल अध्यापक सीकर से हूँ, और मैं श्री कमलेश जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मेरे बच्चे 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और हमारी बार बार कहने पर भी वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर जी? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट क्यों ले, खेल में, फिल्म में, सब जगह उसे तुरंत एक रिजल्ट मिलता है, वाह ये अच्छा लगा, और पढ़ाई में वो जैसे ही आता है वो जो अच्छा लगने वाली बात है वो मिस हो जाती है, उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता, उसे तकलीफ होती है, परेशानी होती है। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मन लगे तो उसके लिए आवश्यक ये है कि जब भी वो पढ़ने बैठ रहा है, पढ़ाई में जितना भी वो कर रहा है, लगातार उस बच्चे को उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना, लगातार उसे ये कहना कि बेटा यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है, लगातार बच्चे को एक सकारात्मक चीज़ों की तरफ उसके रुख को बदलते रहना, इससे धीरे 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 आप देखेंगे कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने पढ़ाई के ट्रैक की तरफ जो है वो लौटने लगे। सर आपने जैसे बताया कि अगर हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करें तो वो एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और
तब हम उसको बेटर वे में कर सकते हैं। टेक्निकली अगर मैं पूछना चाहूँ तो और हम क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे कि हमारा मेमोरी पावर एनहेंस होगा रादर देन दिस रिपीटिशन अगेन। ठीक बात है। देखिए इस पूरा खुला आकाश धारावाहिक में हमारा यही प्रयास है कि हम पढ़ाई का जो पूरा सिस्टम है जिसे 5SQR सिस्टम कहते हैं कि पहले स्टेप से लेकर के और पूरा कैसे के पढ़ाई करना चाहिए उसको हम स्टेप बाय स्टेप कड़ियों के द्वारा इसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत के इन 3 एपिसोड्स में हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले कि हम उस साइंटिफिक प्रक्रिया में प्रवेश करें वो क्या आवश्यकताएं, वो पहली क्या चीज़ें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए, चाहे वो विचारों में भरोसा करना है, चाहे भीतरी शक्तियों की समझ है, बेसिक्स जो हैं वो हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो ऑटो सुझाव की जो टेक्निक अभी हमने चर्चा की उसके अलावा साइंटिफिक स्टडी के जो मेथड्स हैं अगर उनको आप यूज़ करें तो बहुत अच्छे से आप पढ़ाई को कर सकते हैं। जिन बच्चों पे हमने इसका प्रयोग किया पहले जहां उनको 20% याद रहता था उन बच्चों को 80-90% तक याद रहने लग गया। हमारे स्टूडियो में बैठे दर्शकों ने ऑडियंस ने अपने दिल की बातें पूछ ली, पर मैं कमरे जी से गुजारिश करूँगी कि हमारे इतने सारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए दोबारा एक बार जो आपने अच्छी अच्छी बातें जो इतनी काम की बातें हमें बताई हैं उन्हें दोबारा दोहरा दें। जहाँ तक अब तक जितने भी हमने बातें की इसमें से जो मुख्य चीज़ है सबसे पहले हमें अपनी अनंत क्षमताओं पर भरोसा कर लेना सीख लेना चाहिए। हर इंसान में अनंत संभावनाएं और क्षमताएं हैं ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम इन क्षमताओं को तभी जगा सकते हैं जब जीवन के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो सकारात्मक है। अच्छी और बुरी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, हमें कौन सी चीज़ दिखाई देती है ये महत्वपूर्ण है। तो दूसरा कदम हुआ कि सकारात्मकता से अपने आप को भर लेना, पूरी तरह से भर लेना। और इसके बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ये शक्तियाँ तभी जागृत हो सकती हैं जब हमारे पास उसका कोई कारण हो, जब हमारे जीवन का कोई खास उद्देश्य हो, कोई लक्ष्य हो। और ये लक्ष्य जितना बड़ा और अच्छा होगा उसी अनुपात में हमारी ये शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी। महात्मा गांधी जी के उदाहरण में जीवन से हमें साफ साफ दिखने को मिलता ही है, जैसे ही उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य लिया उनके जीवन में बड़े परिवर्तन हुए और बड़ी शक्तियाँ उनके भीतर प्रकट हुई। तो सभी महापुरुषों के जीवन में ऐसा हुआ है। हम बस अपने आप को ये समझ लें कि हमारे भीतर का जो महापुरुष है वो सोया हुआ है और वो एक वजह का इंतज़ार कर रहा है। जिस दिन वो वजह आपके सामने है, वो लक्ष्य आपके सामने है, वो सारी शक्तियाँ जागृत हो जाए। तो दोस्तों, खुला आकाश में हमने कोशिश करी है आपके मुश्किलों को आसान करने की, आपकी याददाश्त को बढ़ाने की, आपकी मेमोरी को इन्हेंस करने की, आपकी पर्सनालिटी के जो आयाम हैं उन्हें और विकसित करने की, आपको आगे बढ़ाने की, आपको लाइफ में कामयाबी और सक्सेस से मिलाने की। वो कहते हैं ना कि आचल दूर खड़ी मंजिल को बुलाए पास, आचल दूर खड़ी मंजिल को बुलाए पास, आ उड़ चल कि बाहें फैलाए है खुला आकाश। वाह अनुपमा, कहते हैं कि खुद को समझ लो तो सारा जहां समझ लोगे, सारा आसमान छू लोगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को हमारा आज का ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा और आपके जहन में जो भी सवाल हैं कमलेश जी से, जो आप जानना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर, जो भी बात आपके जहन में उठी है पूछ सकते हैं खत के जरिए। और खत लिखने के लिए आपको हमारा पता नोट करना पड़ेगा। हमारा पता है प्रोग्राम खुला आकाश, दूरदर्शन केंद्र जयपुर, जयपुर दूरदर्शन का कार्यक्रम खुला आकाश, याददाश्त बढ़ाने का एक अनोखा प्रयास। नमस्कार।